अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद पिजन। आज ये मेरा एक कबूतर जो है ये पिछले साल बिसाख की तैयारी के अंदर जो है आंधी की नज़र हो गया था, आज ये वापस आया तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ जो है शेयर करता हूँ। ये मेरे घर की ही मादी है, ये पिछले साल जब बिसाख की तैयारी चल रही थी तो उसमें ज़ाया हो गई है, तो ये 14 माह के बाद जो है घर वापस आई है, ये आज वापस आई है। तो मैंने कहा आपके साथ मैं जो हूँ ये शेयर करता हूँ। ये इसकी आप आँख देखें, ये मेरे घर का ही बच्चा है, ये जोड़ा भी मैं आपको दिखाता हूँ, और इसका जो भाई है इसी इसके साथ का जो भाई निकला था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, और इसकी माँ भी दिखाता हूँ। इसके पर देखें आप, ये इसके अगर पर देखें आप गौर करेंगे तो ये अभी नई इसकी पुटाई हुई है, और जिस तरह इसको मौका मिला उड़ने का तो ये उड़ के तो अपने घर आ गई है। ये देख लें आप, इसकी अभी 10वीं कली छोटी है, बाकी पर भी आपके सामने हैं, अब इसके पर आ रहे हैं। दुम भी देख लें आप, ये दुम इसकी छोटी है, अभी ये छोटी है, अभी बड़ी होगी। ये इसका जो है ये दूसरा पर है, ये देखें, ये देखें यहाँ से ये कच्चा गुल्ले में उड़ी है, खून भी निकला हुआ इसका पहले, यहाँ से भी देख लें नई पटाई हुई भी है। ये मादी माशाल्लाह से मेरी जो है 14 माह के बाद घर वापस आई है और बिल्कुल खाली जाल पे बैठी है। ये इसके पंजे हैं, ये मेरे घर का जोड़ा। तो मैं आपको जो है इसका माँ भी दिखाता हूँ, इसका भाई भी दिखाता हूँ, और आपको मैं इस पूरी फैमिली का शो करवाता हूँ। वैसे जो एक बात है कि लोग जो है नर कबूतरों को उड़ाते हैं, मादियों को संभाल के रखते हैं, तो मैंने जो है मादी उड़ाई थी और नर को संभाल के रखा था, क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग निकला, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये जो है उसका भाई है, एक ही झोल के थे दोनों, वो मैंने उड़ाई थी, और ये इसको मैंने नहीं उड़ाया था, पिंजरे से भी बाहर नहीं निकाला, इसको जोड़ों के लिए मैं रोक लिया, हाथ में बहुत बुरा मना रहा है। अच्छे कबूतरों की निशानी है माशाल्लाह से, इनमें अक्ल देख लें आपके सामने, अक्ल के ये कितने जो है इसकी भी सेम डिटो में है, आंख भी उस तरह की है। ये इसके पर हैं, इसके पर देखें आपको, इसमें जो है परों की क्वालिटी आप देखें, आखिरी तीन कलियां तकरीबन बराबर हैं, तकरीबन बराबर हैं। ये है इसका कुंदा एक साइड का, ये इसका कुंदा दूसरी साइड का, ये जो है ये ब्रीडिंग के अंदर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इसके जो इसके आगे यहाँ से देख लें कली बीच में से गिरी हुई है, इसके जो बच्चों का रिजल्ट है वो भी शाम तक है माशाल्लाह से। इसको जो मैंने एक सबस चीनी मादी के साथ डाला, और जो मैंने तरीका आपको जोड़ों का बताया हुआ है लगाने का, उस तरीके के साथ जो है मैंने इसका जोड़ा डाला वो चीज़ें देख के, और तो जो है आगे से इसको ये जोड़ों नंबर वाली कड़ी भी डली हुई है, और ये पंजे भी देख लें तकरीबन सेम है दोनों के। ये ज़्यादा अच्छा मुझे लगा था, मैंने इसके लिए ब्रीडिंग के लिए रोका था और वो मैंने उड़ाई थी, और वो लग गई, बड़ा अच्छा उन्होंने रिजल्ट दिया, पर आंधी की नज़र होगी। इसका जो है उसी का, उससे पहली झोल का एक जो भाई था उनका, वो रात रह के भी ज़ाया हो चुका है मेरे से, वो बैसाख की तैयारी के अंदर ही मेरे से रात भाई रह गया था, तो तब लाइटें वगैरह भी छत पर नहीं लगी हुई थी पिछले साल, इस बार लगी हुई हैं, तो इस बार जो है कबूतर बेहतर रहा उनका रिजल्ट। अब मैं अब इनको जोड़े का जो माँ बाप भी आपको दिखाता हूँ। ये जो आपके सामने ये मादी है, ये उन बच्चों की माँ है, देख लें इससे कलर उन्होंने लिया काफ़ी डार्किश किस्म का, ये उनकी माँ है, ये देखें आप, ठीक है, कितना प्यारा कलर है माशाल्लाह से। अब मैं इनका जो नर है वो भी आपको दिखाता हूँ, क्रॉस में लगाया था मैंने ये जोड़ा, ये नर मैंने लगाया भाई, ये जो पहले वाला है ना, ये नर, ये साथ में नर लगाया, इस नर के बहुत सियान है, इसका मैंने जो भी बच्चा छोड़ा है ना वो उन्हें सियान का बेपनाह बादशाह है ये। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने कहा आपके साथ मैं शेयर करूं कि मेरा जो आज मादी वापस आई है, बड़ी खुशी हुई है, बंदे को बड़ी खुशी होती है जब ऐसा कबूतर एक गया हुआ वापस आता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।